हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अजना भारती के ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज है दिन मंडे और हमारे इधर काफी गर्मी है, तो सुबह सुबह अभी मैं 9 बज रहा है, स्नान करके पूजा पाठ हो गया और अभी जा रही हूँ किचन की ओर चाय बनाने के लिए। तो आज मैं छुट्टी ली थी इसीलिए घर पे हूँ। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे बने रहिए दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए मैं आज ब्लॉग में कंटिन्यू। तो दोस्तों, अभी खाना बनने का तैयारी स्टार्ट हो गया है। आज मछली आया है तो मैं मछली बना रही हूँ दोस्तों, और हम लोग से 5 जन हैं, 5 जन के लिए इतना मछली काफ़ी है। और मैं इधर अभी किचन में आ गई हूँ, जाहिर सी बात है किचन में आई हूँ तभी तो खाना बन रहा है, तो मुझे इधर से आप देख सकते हैं दोस्तों। और इधर मैं फ्राई करने के लिए चढ़ा चुकी हूँ कढ़ाई, और इधर चावल भी बनेगा और रोटी भी बनेगा। एक मेरे यहाँ टेंशन हो जाता है कि रोटी भी बनाना पड़ता है चावल भी बनाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और चलिए कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए, और मेरे यूट्यूब फैमिली आप सब भी जल्दी से आ रही, तो मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। तो फटाफट मैं मछली को फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि तेल गर्म हो चुका है, उससे धुआं भी आने लगा है। मैं एक एक करके सारे मछली को फ्राई कर लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इधर मछली फ्राई हो रहा है और इतना मैं फ्राई कर चुकी हूँ। और एक चीज़ दिखाने वाली हूँ दोस्तों आप सबों को, आप लोग जानते होंगे, तो वो है ये। आप लोग में से कितने लोग ये फल को जानते हैं और खाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये क्या है, और इसको देखिए छिल रहे हैं इस तरह से, छिल के इसको हटा देना है और ये फिर खाना, ये पेट को पूरा ठंडा रखता है दोस्तों। ये क्या है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। उसी तरह से बच्चे लोग, आज के जनरेशन में आज के बच्चे नहीं जानते ये क्या है, तो मेरे दोनों बच्चे नहीं जानते हैं, तो छील के उनको रख दूंगी तो ही वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे पता नहीं, बट ये खाने का चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सारे मछली को अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। इसके बाद मैं बना रही हूँ मछली का पकौड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से मछली का जो अंडा होता है उससे मैं पकौड़ा भी बना ले रही हूँ, और कुछ यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाली हूँ, ये काफ़ी टेस्टी लगता है दोस्तों। आप सबों में कितने लोगों ने मछली का पकौड़ा खाया है जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है, तल दिए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से और एक बार डालूंगी हो जाएगा, तो ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है दोस्तों, मुझे पसंद है और मिट्टी को भी बहुत पसंद है। तो फटाफट निकाल लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अभी पूरा किचन हो गया है गंदा, देखिए पूरा। तो अभी देखिए इसमें प्याज फ्राई करके मसाला ऐड कर दी हूँ, टमाटर 4-5 डाल दी हूँ छोटे छोटे, और सारा मसाला को फ्राई कर लूँगी फटाफट से। इसके बाद इसमें पानी ऐड होगा, तो अभी टाइम लगेगा इसमें अच्छी तरह से फ्राई होने में, जब तक तेल नहीं छोड़ेगा तब तक इसको फ्राई करते रहना है मसाला को अच्छी तरह से एकदम खुशबू आने तक इसको, इसके बाद ही बाकी होगा। तो कंटिन्यू दोस्तों आइए, कंटिन्यू दोस्तों जुड़े रहिए। तो दोस्तों, इधर मसाला फ्राई हो रहा है और मैं आटा भी सान चुकी हूँ दोस्तों। अभी इसको फिर बनाना है, इतना गर्मी है दोस्तों क्या बोले, ज़बरदस्त गर्मी है, बिल्कुल ही किचन में रहा नहीं जा रहा, लेकिन पेट है तो भूख लगा है दोस्तों। तो आज इन सुई देने वाले हाथों में भी खाना का जादू है दोस्तों। तो मेरे ब्लॉग को आप ज़रूर देखना, विजिट करना, बाकी ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। खाना बनाने सुई देने वाले हाथों में भी लजीज खाना बन सकता है, तो अपनी मैं तारीफ नहीं करी दोस्तों। इससे मैं खाना बनाने और गार्डनिंग की बहुत शौकीन हूँ, तो इसलिए खाना बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तरह तरह का मैं यूट्यूब में बनाते रहती हूँ जब भी मुझे ऑफ टाइम मिलता है दोस्तों, तो आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों चलिए फटाफट बना देते हैं, और आप सब भी जल्दी जल्दी आ जाइए खाने के लिए, लगभग होने ही वाला है। तो दोस्तों, हालत ख़राब हो रहा है गर्मी से, और इधर रोटी बना रही हूँ और मछली का पानी खोल गया है।
जब भी मछली बनता है दोस्तों तो किचन का तो सत्यानाश हो जाता है। तो इसको थोड़ा देर पकने देंगे, ढक देते हैं। फटाफट बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, पकौड़ा इस तरह से निकल के आया है और काफी टेस्टी लगता है। बाकी सारा खत्म हो गया, इतना ही बचा है। तो दोस्तों, हमारा मछली हो गया है रेडी, अब खाना लगाएंगे। दोस्तों, आप सबों को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। चलिए बाहर की ओर चलते हैं, बारिश मौसम लगा रखा है, बाहर की ओर देखते हैं थोड़ा सा नजारा। तो दोस्तों देखिए, आम भी धपाक धपाक गिरने लगा। मोहित गया है नीचे पका हुआ आम लाने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आम चुन के आ गए फाइनली, और इतना ढेर सारा आम चुने देखिए, बाल्टी भर के। और देखिए अभी भी हवा दे रहा है। चलो डालो डालो, आम सबको डालो, सारा वो भी डालो, उधर से डालो। एकदम पका हुआ दिख रहा है, रेड पूरा टेस्ट से अभी गिरेगा। पोपो के लिए लाए, वो भी तो हम खाएगा, मेरा पैरट पोपो वो भी तो खाएगा, उसके लिए भी ले आए। तो पोपो को देते हैं सबसे पहले, लाइट करें ऑन और एक पोपो को देते हैं। हेलो पोपो, हेलो, एक काम तो है बाद में देंगे। चलिए दोस्तों खाना लगाते हैं फटाफट। चलो ले चलो इसको, इसको ले आओ, मंडल को अंदर लेकर चलो, लगा देते हैं। चलिए अब अंदर हम लोग पैक हो गए, खाना लगाते हैं। पता नहीं दोस्तों क्या हो गया है, ठीक से हो नहीं रहा, लाइट भी कट गया। चलो तो दोस्तों, मछली चावल आ गया और आम पुदीना का चटनी, और इधर देखिए बाकी लोग खा रहे हैं। हम लोग इसी तरह से नीचे में बैठ के खाना पसंद करते हैं। और मिष्टी, और मिष्टी के पापा खा रहे हैं रोटी। कैसे बना बिटिया? सुपर ना, कैसे बना? फैंटास्टिक। ठीक है, तो मैं भी खा लेती हूँ। चलिए ये मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सब भी फटाफट आ जाइए और हम लोग खाते हैं फटाफट।